बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पालक चिकन, जिसके लिए हमने पालक के पत्तों को काट कर धो लिया है। एक बंडल मेथी का लिया है, उसको काट कर धो लिया है। एक ही बंडल धनिया का लिया है, उसको भी काट कर धो लिया है। आधा किलो चिकन लिया है, एक प्याज लिया है और एक ही टमाटर लिया है, उन दोनों को काट लिया है। कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है और 3 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून सूख मिर्च का पाउडर, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1/4 कप दही लिया है और सबसे आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल लेंगे, उसमें चिकन डाल देंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। दालचीनी डाल देंगे, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसी ऑयल में अब प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे। अब कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे, आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू आने तक अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्चों को हमने काट लिया है, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। दो से तीन टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर गल जाएं। साथ ही इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब 1 से 1.5 मिनट तक सारे मसाले को भूनेंगे। अब चिकन ऐड करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह पक जाए। मेथी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब धनिया डालेंगे, दही डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम कोई इजाफी पानी ऐड नहीं कर रहे, एक तो धनिया भी अपना पानी छोड़ देता है, दूसरा हम इसको दही के पानी में ही पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। पालक ऐड करेंगे,
तकरीबन क्वार्टर कप पानी डालेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक मिनट तक पकाएंगे। उस पकाने से क्या होगा कि पालक थोड़ी बैठ जाएगी और इसको मिक्स करने में आसानी होगी। अब दो चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, पालक मिक्स होना शुरू हो गई है। ये देखें, पालक मिक्स होना शुरू हो गई है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखें, पालक और चिकन पक चुका है, लेकिन जो हमें इजाफी पानी नजर आ रहा है इसको खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम पर। इस पालक, धनिया और मेथी को हमने ग्राइंड नहीं किया बल्कि वैसे ही बारीक बारीक काट के पकाया है। ये अमूमन रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन जो ग्राइंड करके बनाते हैं वो चावलों के साथ भी खाई जाती है और रोटी के साथ भी। ये देखें, घी ऊपर आ चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे। डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त पालक चिकन तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल RI Food Plus को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।